नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएमएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ कनिका। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। मुरादाबाद जनपद में आज रात से नाइट कर्फ्यू लगेगा। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ये नाइट कर्फ्यू रहेगा। दरअसल मुरादाबाद में 16 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। सिटी मजिस्ट्रेट महेंद्र पाल सिंह ने सोशल मीडिया के माध्यम से इस आदेश की जानकारी दी है। तो वहीं सभी आम जनता से भी अपील की है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा आज ये आदेश जारी किया गया है कि आज रात को 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक के लिए एक नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। और सभी लोगों से ये अपील की जा रही है, मुरादाबाद के जनपद वासियों से, कि हम सभी लोग रात को इस जो कर्फ्यू लगाया गया है इसका हम लोग अनुपालन सुनिश्चित करें। इसके साथ ही साथ दोपहर में भी, दिन की गतिविधियों में भी, जब भी हम अपने घर से बाहर निकलते हैं लगातार मास्क पहने रहें, बिना मास्क के हम लोग बाहर ना निकलें। इसके साथ ही साथ 2 गज की दूरी का जो बात की जा रही है, इसके अलावा सैनिटाइजेशन की बात है, उसको हम लोग जरूर करते हैं। साबुन से अपने हाथ धोते रहें, सैनिटाइज करते रहें अपने हाथों को, और अपने आप को सुरक्षित रखना ये हम लोगों के लिए बहुत ही प्राथमिक रूप से है, क्योंकि कोरोना के केसेस मुरादाबाद में लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। कल भी 131 हमारे यहाँ केसेस आए हैं। कुल मिलाकर जनपद में अब तक 444 पॉजिटिव केसेस हैं जो कि सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। तो अब हम लोगों की, सभी लोगों की एक जिम्मेदारी बनती है, एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि पूर्व की भांति जिस तरीके से हम मुरादाबाद जनपद वासियों ने मिलकर इस कोविड से हम लोग लड़े थे और अपने आप पर हमने काफ़ी हद तक कंट्रोल किया था, उसी को पूर्व की भांति सभी लोग मिलें एकजुटता के साथ में, मेरे व्यापार मंडल के लोगों के साथ में, आम जनता के साथ में, अन्य स्वयंसेवी संगठनों से, सभी विभाग के सेल्फ डिफेंस से वालों से भी, सभी लोगों से मेरा ये बहुत विनम्र अनुरोध है कि हम सब लोग मिलकर इस कोरोना की लड़ाई में इसमें अपना सहयोग दें और सभी लोगों को ये ज़रूर मैसेज दें कि बिना मास्क के हम लोग घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि जिस तरीके से केसेस लगातार बढ़ रहे हैं आगे आने वाले समय में इसकी स्थिति गंभीर हो सकती है अगर हम लोग इसका पूरी तरीके से, अगर हम एहतियात नहीं बरतते हैं। तो कई तरीके की इसमें सेवाओं में अगर देखेंगे जिलाधिकारी महोदय के जो आदेश हैं उसमें जो भी दैनिक उपयोग की जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ों को इसमें मुक्त रखा गया है। मंडी में फल या सब्जी आती हैं उनके लिए इसको मुक्त रखा गया है। इसके अतिरिक्त तो जो मीडिया कर्मी हैं और जो भी कुछ आवश्यक उपयोगी जो सर्विसेज वगैरह हैं उन सभी लोगों के लिए अपने पासेस दिखाकर और अन्य चीज़ों में मुक्त रखने की इसमें बात सर के आदेश में इसमें कहा गया है। तो कोशिश ये की गई है कि पूरी तरीके से जो हमारी आर्थिक व्यवस्था है, जो आर्थिक चीज़ें गतिविधियाँ हैं वो जारी रहते हुए किस तरीके से हम लोग अपने आप को सुरक्षित रख सकेंगे, इस चीज़ का पूरी तरीके से इस आदेश में वर्णन किया गया है।